भागवत पुराण दसम स्कंद दसवाँ अध्याय यमलार्जुन का उद्धार भागवत पुराण दसम स्कंद दसवाँ अध्याय यमलार्जुन का उद्धार राजा परीक्षित ने पूछा भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि कोबर और मनी ग्रीव को शाप क्यों मिला उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया श्री सुखदेव जी ने कर... श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित नल कुबर और मनी ग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में इससे उनका घमंड बढ़ गया एक दिन वे दोनों मंद मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत हो गए थे नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा वत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो वैसे ही वे उन युवतियों यू, के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे परीक्षित संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन लजा गईं शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत हो रहे हैं तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा नारद जी ने कहा जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि प्रशंसक नहीं है हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि प्रशंसक नहीं है क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मधिरा भी रहती है ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करे तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है परंतु बड़ी कठिनाई से उखल बंधे भगवान सगुण हैं वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे स्वयं बंधकर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना शतपुरुष के सर्वथा योग्य है जब यशोदा माता की दृष्टि से कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते लगते हैं और ऐसा उधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच आए देखिए पूतना सकटासुर त्रिनावर्त आदि का प्रसंग ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं इसलिए इनका अर्जुन नाम है देखिए पूतना शकटा सुर त्रिनावर्त आदि का प्रसंग ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं इसलिए इनका नाम इनका अर्जुन नाम है ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टिपूत किए जा चुके हैं इसलिए भगवान ने उनकी ओर देखा जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंध कर भी भगवान आते हैं देवर्षि नारद के शाप देने में दो हेतु थे एक तो अनुग्रह उनके मद का नाश करना और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण प्राप्ति ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद ने अपने ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है इसलिए उन्हें भगवान का भावी कृपापात्र कृपा पात्र समझ कर ही उनके साथ छेड़छाड़ की नारद जी ने कहा जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि प्रशंसक नहीं है क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मदिरा भी रहती है मद और श्री मद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमरवान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं ऐश्वर्य मध और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं जिस जिस शरीर को भूदेव नरदेव देव, देव आदि नामों से पुकारते हैं उसकी अंत में क्या गति होगी उसमें कीड़े पड़ जाएंगे पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे या वह जल का राख का ढेर बन जाएगा उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति हो होगी बदलाव तो सही यह शरीर किसकी संपत्ति है अन्य देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की यह शरीर उससे यह शरीर उसे नौ महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का चिता की जिस धधकती आग में यह जला जल जाएगा उसका है अथवा जो कुत्ते श्यार इसको चित्त चित कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उस उनका यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरे को कष्ट पहुँचाएगा ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरे को कष्ट पहुँचाएगा उसके प्राण लेगा जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखें में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाला विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा गर, ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती वह सब तरह के मदों से बचा रहता है बल्कि दैववश वश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं उनकी हिंसा नहीं करता यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है क्योंकि उन उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है जिस जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है जो केवल भगवान के चरणार विंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मत से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है वे तो अपनी उपेक्षा ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करने करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर दूंगा देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं इसलिए ये दोनों अब वृक्ष व्रिक्ष्य, वृक्ष में जाने के योग्य हैं ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा धनी पुरुष में ए, तीन दोष होते हैं धन धन का अभिमान और धन की तृष्णा दरिद्र पुरुष में पहले दो नहीं होते केवल तीसरा ही दोष रहता है इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उनका शीघ्र कल्याण हो जाता है धन स्वयं एक दोष है सातवें स्कंद में कहा है कि जित जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। दंड महति भगवान भी कहते हैं जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका धन छीन लेता हूं इसलिए सतपुरुष प्राय धनियों की उपेक्षा करते हैं ऐसा होने से इन्हें इस प्र, फिर इस प्रकार अभिमान न होगा वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के सौ वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करने के लिए ये अपने लोकों में चले आएंगे श्री सुखदेव जी कहते हैं देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए और ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यम लार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल खसीटते हुए उन उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं इसलिए महात्मा नारद ने जो कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए वे तो दूसरी ओर निकल गए परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा त्यों ही पेड़ों की सारी जड़े उखड़ गई समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोड़ लगते ही पेड़ों के तने शाखाएं छोटी छोटी डालियाँ और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोड़ से तरतराते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी उन्होंने संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्थिति करने लगे उन्होंने कहा सच्चिदानंद घन स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं वेद ज्ञान वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है आप ही समस्त प्राणियों के शरीर प्राण अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान काल सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं आप ही महत्त्व तत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण रूपा है आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म भाव धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुण और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं प्रभु आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है शाप वरदान से तपस्या क्षीर्ण होती है नलकूवर मनीग्रीव को शाप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि फिर से तप संचय कर लिया जाए मैंने यक्षों पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता है इसलिए अपने आराध्य देव एवं गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते थे परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवर्षि नारद ने कहा था कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा वृक्षों के बीच में जाने का आशय यह है कि भगवान जिनके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में क्लेश का लेश भी नहीं रहता भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे हो होता जो भगवान के गुण भक्त वात्सल्य आदि सगुण सद्गुण या रस्सी से बंधा हुआ है वह त्रियक गति पशु पक्षी या टेढ़ी चाल वाला ही क्यों न हो दूसरे का उद्धार कर सकता है अपने अनुयायी के द्वारा किए हुए काम जितना यशस्कर होता है उतना अपने हाथों से नहीं मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले उखल के द्वारा उनका उद्धार करवाया पर ब्रह्म श्री पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण हम आपको नमस्कार करते हैं आप प्राकृत शरीर से रहित हैं फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं हैं और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है प्रभु आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस से आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है अनंत हम आपके दाशानुदाश हैं आप यह स्वीकार कीजिए देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को अपना दर्शन प्राप्त होता है प्रभु हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं हमारी आंखें उनके दर्शन करती हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुवर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बुद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं आज मैं बुद्ध हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई यक्षों ने विचार किया कि जब तक यह, यह सगुण रस्सी में बंधे हुए तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं निर्गुण को तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता इसलिए भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए उखल सर्वदा श्री कृष्ण गुणशाली एवं भूया उखल तुम्हारा कल्याण हो तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों में बंधे रहो ऐसे उखल को आशीर्वाद देकर यक्ष वहां से चलेंगे श्री सुखदेव जी कहते हैं सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूवर और मनीग्रीव के इस प्रकार स्थिति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा श्री भगवान ने कहा तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परमकारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना इसलिए नलकुवर और मणिग्रीव तुम लोग मेरे परायन होकर अपने अपने घर जाओ तुम लोगों को संसार चक्र से छुराने वाले अनन्य भक्त भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्त हो गई है श्री सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की